हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लुहान रेसिपीज़ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रमजान इफ्तारी स्पेशल चावल की खीर कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। इसलिए मैंने लिया है 1/2 कप भिगा हुआ चावल, कैश्यू, आलमंड्स, किशमिश, मिल्क, वाटर, घी और ग्रेट किया हुआ कोकोनट। तो सबसे पहले मैंने भिगो दिए एक जार लिया है और उस जार में भिगो दिए चावल डाल के अच्छे से मैंने एक बार मिक्सी कर दिया है और मैं थोड़ा वाटर ऐड करके फिर दोबारा ग्राइंड करूँगी। मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो चले इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं वो बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने पैन रख लिया है और उसमें मैं ऐड करूँगी घी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कटा हुआ काजू और बादाम डाल के अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। हमारे काजू बादाम और अच्छे से गोल्डन कलर में रोस्ट हो चुके हैं और इसे मैं सेपरेट बोल में निकाल दूंगी। तो उसी बोल में मैं अब ऐड करूंगी किशमिश। किशमिश अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो मैं इसे भी निकाल के बाजू को रख लूँगी। तो अब मैं इस बॉल में ग्रेट किया हुआ कोकोनट ऐड करूंगी, उसे अच्छे से गोल्डन कलर में रोस्ट होने देते हैं। एक गोल्डन कलर में अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसमें ऐड करूंगी मैं। और 1/2 कप ऑफ वाटर और मैं इसमें ग्राइंड किया हुआ राइस बैटर को इसमें डाल दूंगी। राइस बैटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसे थोड़ी देर पकने दें। मैंने जो चावल का बैटर डाल लिया था वो तो अच्छे से पकना हो गया है और इसमें मैं ऐड करूंगी शुगर, 1 कप ऑफ शुगर। आपको इंग्रेडिएंट्स में मैंने शुगर नहीं बताया था तो मैं इसमें शुगर डाली। ये अच्छे से मिक्स कर लें, इसी को अच्छे से मिक्स करते रहना है क्योंकि इसमें लम्स आते हैं, तो लम्स नहीं जैसा हमको इसे मिक्स कर लेना है। खीर तो हमारी अच्छे से बन के तैयार है और हमें इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। हमारी खीर तो बन के तैयार है और इसमें मैं ऐड करूंगी रोस्ट किया हुआ आलमंड्स, कैश्यू। बहुत ही आसान है दोस्तों ये खीर बनाना, बहुत ही टेस्ट रहती है। आप इफ्तार समय इसे बनाकर आपको फैमिली मेम्बर्स को पिलाइए, बहुत ही अच्छी रहती है। Thanks for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.